इम्प्रूव योर वोकैबुलरी के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं, क्योंकि पीडीएफ में मैं काफी सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी इंक्लूड करती हूँ, इस वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए आप पिनाकल लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें। पिनाकल लर्निंग ऐप पर हम बहुत सारे वीडियोस, पीडीएफ, क्विजेज वगैरह जो है वो अपलोड करते हैं। जो लिंक है पिनाकल लर्निंग एंड्रॉइड ऐप का वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला शब्द क्या है? हमारा पहला शब्द है केपेबल। केपेबल का मतलब क्या होता है? केपेबल का मतलब होता है सक्षम, जो योग्य हो, लायक हो। केपेबल क्या कह रहा है? दैट दिस पर्सन इज एबल। एबल का मतलब क्या होता है? योग्य। ठीक है, महिलाओं को हर जगह हर काम पर यह साबित करना होता है कि हम भी केपेबल हैं। आप ये मत सोचिए कि आप एक आदमी को रख लेंगे तो वो ज्यादा लायक होगा। औरतें क्या कह रही हैं? वी कैन ऑल्सो डू इट। तो केपेबल के लिए कॉम्पिटेंट, सूटेबल, हमने एक और वर्ड किया था अगर आपको याद हो, कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव जो होगा वो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स क्लियर करेगा। क्वालिफाइड, एबल, ये सभी हैं केपेबल के सिनोनिम्स। और ऑपोजिट्स होंगे इनकॉम्पिटेंट, असक्षम, इनएफिशिएंट, जो ढंग से काम ना करे, इनएप्ट। ठीक है, एग्जाम्पल, इंडियन वुमेन आर केपेबल ऑफ विनिंग द रेसलिंग मैच। हाल ही के दिनों में महिलाओं ने कुश्ती के फील्ड में प्रूव किया है ना कि हम बहुत अच्छे हैं, तो इंडियन वुमेन आर केपेबल रेसलर्स। नेक्स्ट वर्ड है सरकमलोक्यूशन। सरकमलोक्यूशन क्या? सरकम वर्ड जो है ये आपको सरकमफ्रेंस की याद दिलाता है। सरकमफ्रेंस किसकी होती है? सर्कल की सरकमफ्रेंस होती है, ये गोलाकार है और ये जो है ये सरकमफ्रेंस है। और LOCQ, ये LOCQUI, ये जिसमें भी आ जाएगा ये बोलने से संबंधित हो जाएगा। तो घुमा फिरा कर गोल गोल बोलना, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सर्कमलोक्यूशन। बहुत सारे लोग हैं सीधे डायरेक्ट बात पर नहीं आएंगे, बहुत घुमा फिरा कर कहेंगे। आपको अपने पेरेंट्स को कहना है कि पापा मैं एग्जाम में फेल हो गया, मेरा क्लियर नहीं हुआ। आप कैसे कहेंगे? पापा पता है लास्ट वीक मैम ने एक एग्जाम लिया था, उसमें बहुत सारे बच्चे ना उनके 50 में से सिर्फ एक या दो नंबर आए। अरे बहुत सारे बच्चे तो ना उस दिन एबसेंट ही हुए, एग्जाम ही नहीं दिया। पहले आप ये सारा एक बैकग्राउंड पिक्चर क्रिएट करेंगे और फिर धीरे से बताएंगे मेरे भी नंबर कम आए हैं। आपको पॉकेट मनी बढ़वानी हो, सेम ड्रामा करते हैं, बहुत सारी बातें कहेंगे, मुद्दे की बात पर नहीं आएंगे। तो ये होता है सरकमलोक्यूशन। वर्बोसिटी, वर्बेज, देखिए वर्ब ये जो है ये वर्बल से आया, वर्बल का मतलब ही क्या होता है? मौखिक। ऑपोजिट होंगे कंप्रेशन, डायरेक्टनेस, ब्रेविटी, प्रिसाइज। प्रिसाइज का मतलब होता है ब्रीफली बताना, बिल्कुल। आपको जितने लोग भी टायर 3 एग्जाम देते हैं उन लोगों के लिए हम टॉपिक कराते हैं ना आपको, प्रेसी राइटिंग जिसको कहा जाता है। तो ये प्रिसाइज का मतलब होता है कि बिल्कुल टू द ब्रीफ, पॉइंट टू पॉइंट लिखना। तो सर्कमलोक्यूशन शुड बी अवॉइडेड फॉर इफेक्टिव राइटिंग। आप इंटरव्यू देने जाते हैं क्या आप बहुत घुमा फिरा कर बातें करेंगे? नहीं, यू विल बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। ये आदमी देखो ये ब्ला 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 बकर 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 किए जा रहा है, मुद्दे की बात पर नहीं आ रहा है, सर्कमलोक्यूशन। अगला शब्द है हमारा कंसील। ठीक है, कंसील, आपने ये वर्ड सुना है सील। सील क्या होता है? मोहर। ठीक है, चीजों को एक पोटली में बंद करके यहाँ पर सील लगा दी जाती है और उसके बाद जो अंदर चीजें हैं वो हमें नहीं दिखेंगी, वो छिपा दी गई हैं। तो कंसील, कॉस्मेटिक्स में भी एक चीज होती है कंसीलर, और आपके चेहरे पर ये लगाया जाता है। जब ये लगाया जाता है सबसे पहले तो ये आपके चेहरे के सारे दाग धब्बों को छिपा देता है। तो कंसील का मतलब होता है छिपाना, ब्लॉक, बाधा डालना, हाइड, छिपाना, ऑब्सक्योर, स्पष्ट, क्लोक। क्लोक होता है एक बड़े से कपड़े के नीचे छिप जाना, श्राउंड, मास्क, ये सभी सिनोनिम्स हैं। और ऑपोजिट्स होंगे डिस्क्लोज, जाहिर करना, एक्सपोज, जनता के सामने लाना। ओके, ये बच्चा सोफे के पीछे कंसील हो रहा है, ये क्या खेल रहा है? जो हम देसी भाषा में कहते हैं आई स्पाइस, इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं? इंग्लिश में उसको कहते हैं हाइड एंड सीक। सीक का मतलब ढूंढना होता है। ठीक है, तो अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम। द विटनेस वॉज अक्यूज्ड ऑफ कंसीलिंग द ट्रुथ। जो गवाह था उसके ऊपर ये आरोप लगा कि उसने सच्चाई को छिपाया। अगला शब्द हमारा, अगला शब्द है कंसाइज, CONCISE, कंसाइज। कंसाइज का मतलब है प्रिसाइज, अभी हमने किया था। ओके, प्रिसाइज अभी तो हमने किया यहाँ पर, देखिए वर्ड नंबर 22 में। ओके, ये ऑपोजिट था सर्कमलोक्यूशन का। वर्ड प्रिसाइज क्या होता है? प्रिसाइज होता है ब्रीफ, टू द पॉइंट। ये मत कहो किसी से कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, सीधे बोलो सर क्या आप मुझे जॉब दे सकते हैं, देन यू आर प्रिसाइज, एग्जैक्ट। ये प्रिसाइज है, छोटे में बता रहा है, और ये जो है ये डिटेल में जा रहा है, इलैबोरेट है ये। तो ब्रीफ, ओके, लैकोनिक,
टर्स, समरी, ये सभी कंसाइज हैं। ऑपोजिट्स होंगे एक्सपेंसिव, एक्सपैंड वर्ड क्या होता है, एक्सपैंड का मतलब होता है विस्तार पूर्वक, इलेबोरेट एंड लेंथी। माय ज्योग्राफी नोट्स आर वेरी कंसाइज, कंसाइज का मतलब संक्षिप्त में, ब्रीफ में। अगला शब्द है हमारा कंसेंसस, CONSENSUS, कंसेंसस, ओके, इसका मतलब होता है सबकी सहमति से, सर्वसम्मति से, आम सहमति से, ओके। अब ये जो वर्ड है कंसेंसस, क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, कॉनसेंस, ठीक है। अब कॉनसेंस जो है SENSE, कॉनसेंस, क्या ये कॉमन सेंस जैसा लग रहा है? कॉमन सेंस का मतलब क्या होगा? कॉमन सेंस का मतलब होता है, कॉमन सेंस होता है जो आपका बेसिक नॉलेज होता है, तो कंसेंसस इसी के जैसा है। कंसेंसस का मतलब होता है जब सब लोग कॉमन सेंस लगाते हैं और पाते हैं कि जो बात की जा रही है वो लॉजिकल है, तो फिर कंसेंसस हो जाता है। यूनानिमिटी, सर्वसम्मति, अकॉर्ड, अग्रीमेंट, कंसेंट, सहमति। डिसएग्रीमेंट ऑपोजिट है, डिस्कॉर्ड होता है तालमेल बिगड़ जाना। द लैक ऑफ कंसेंसस अमंग द मेंबर्स ऑफ द कैंपेन मेड इट अ फेलियर, कि जो मेंबर्स थे, सदस्य थे कैंपेन के, उनमें सहमति नहीं बनी, इसलिए जो कैंपेन है वो फेल हुआ। अगला शब्द है हमारा कंसिस्टेंट, CONSISTENT, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट हम यहाँ पर रूट वर्ड ले लेते हैं कंसिस्ट। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो चीज है, कोई भी हमारी, कोई हमारा मान लीजिए कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, या फिर ये जो वीडियो है, इट कंसिस्ट्स ऑफ दिस, यानी कि वो किससे बना हुआ है, ये जो चीज जिससे वो बना हुआ है, ये हमेशा कंसिस्टेंट होगी, ये बदलेगी नहीं। कंसिस्टेंट का मतलब होता है एक जैसा, एक समान। ये देखो, ये जो मैं आपसे अगर कहती हूँ कि अगर आप चाहते हैं एग्जाम आपका क्लियर हो, तो कंसिस्टेंटली पढ़ाई करो, लगातार नियमित रूप से आपको पढ़ाई करनी है। जैसे ये देखो, ये ऊपर चढ़ रहा है ना, ये इसकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है। उसके साल में 3 प्रमोशंस क्यों हुए? इसलिए क्योंकि उसने कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म किया। ये क्या है? ये कंसिस्टेंट नहीं है। तो हार्मोनियस तालमेल बनाना, कॉन्ग्रुएस, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं, अनचेंजिंग, ये होता है कंसिस्टेंट। ऑपोजिट होगा वेरिंग, वेरिंग मतलब होता है फर्क डालना, इरेटिक। कंसिस्टेंसी प्लेज अ मेजर रोल इन क्लाइंबिंग द लैडर ऑफ सक्सेस। वर्ड नंबर 27 और 28, ओके, हमारा वर्ड है कॉन्ट्राडिक्ट। अब कॉन्ट्रा का मतलब होता है विपरीत, ओके, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऑपोजिट, विपरीत, ओके। यहाँ पर डिनाई, खंडन करना, अपोज, विरोध करना, कन्फ्रंट, देखो फिर यहाँ पे कन, और यहाँ पे भी कन, कन्फ्रंट होता है सामने से, आगे से, फ्रंट का मतलब आगे से, किसी से कोई बात सामने से पूछना, क्या तुमने मेरे पैसे चुराए हैं, क्या कल तुम क्लास की बजाय फिल्म देखने गए थे? अगर आपके पेरेंट्स ऐसा पूछते हैं तो यानी कि वो आपको कन्फ्रंट कर रहे हैं। ये देखिए, इन दोनों के बीच में कन्फ्रंटेशन हो रही है, ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। ऑपोजिट होगा हमारा अप्रूव, कंफर्म, पुष्टि करना, सैंक्शन, इजाजत दे देना, एंडोर्स करते हैं हम जब, तब हम कहते हैं ये चीज अच्छी है, आप इसका प्रयोग करें। गवर्नमेंट्स एक्शंस कॉन्ट्राडिक्ट इट्स प्रोमिसेस मेड ड्यूरिंग द कैंपेन। देखो कितना बढ़िया सेंटेंस है कि सरकार जो वास्तविक रूप से करती है, जो करने का उसने अपने चुनाव अभियान में वादा किया था, उसके विपरीत होता है वो, ठीक है। अगला शब्द है हमारा कैटेस्ट्रोफी। कैटेस्ट्रोफी होती है जबरदस्त तबाही, ठीक है, ये होती है जबरदस्त तबाही। और जबरदस्त तबाही, ठीक है, इसमें कैट है आपका। अगर आपको कोई एक बिल्ली दे देता है एज अ ट्रॉफी, आप कहीं किसी चीज में आपने पार्टिसिपेट किया और आप जीत गए, आपको एक कैट मिल जाती है एज अ ट्रॉफी, तो वो कैट आपके घर में आकर पूरी हलचल मचा देगी और काफी चीजें बर्बाद कर देगी। तो कैटेस्ट्रोफी होती है कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा, जैसे भूकंप है, बाढ़ है, उसको हम जो तबाही मचाए वो होगी कैटेस्ट्रोफी। डिजास्टर, क्लैमिटी, मिसफॉर्चून, मिसहैप, ये सभी है कैटेस्ट्रोफी। इसको ऑपोजिट होगा प्रोस्पेरिटी, समृद्धि, ब्लेसिंग, वरदान, रिस्टोरेशन। कोई चीज बर्बाद हो गई तो उसको हमने फिर से पहले वाली सिचुएशन में लेकर आए, तो हमने उसको रिस्टोर किया, ओके, रिसर्जेंस। सुनामी वॉज अ कैटेस्ट्रोफी दैट लेड टू ग्रेट लॉस नॉट ओनली टू लाइफ बट ऑल्सो टू इंफ्रास्ट्रक्चर। कैरिकेचर, कैरिकेचर, क्या ये आपको जिम कैरी की याद दिलाता है? कैरिकेचर जब कार्टून बनाया जाता है किसी का, ठीक है, ये देखिए ये कार्टून है, आप इन क्रिकेटर्स को पहचानते हैं, ये हमारे विराट कोहली हैं सबसे बीच में, तो कैरिकेचर किसी का कार्टून बनाना जिसे देखकर हंसी आए, एग्जैगरेशन बढ़ा चढ़ा कर दिखाना, रिडिक्यूल उसका मजाक उड़ाना। और इसका ऑपोजिट होगा एग्जैक्टनेस, प्रिसाइजनेस, रियालिटी, सच्चाई, ट्रुथ।
एग्जाम्पल, कैरिकेचर्स ऑफ द प्लेयर्स ड्यूरिंग आईपीएल वर सीन ऑन मेनी बिलबोर्ड्स। आईपीएल के दौरान बहुत सारे क्रिकेटर्स के जो कार्टून्स होते हैं वो बिलबोर्ड्स के ऊपर नजर आए। अगला शब्द है हमारा क्रेस, ओके, सी ए आर ई एस एस, क्रेस। इसमें केयर है और करेस का मतलब होता है किसी के लाड़ प्यार करना, किसी का दुलार करना। ये देखो, ये दोनों बिल्लियां, क्या ये पीछे वाली बिल्ली आगे वाली बिल्ली के दुलार कर रही है? यस, मदर्स अपने बेबीज को करेस करती हैं। आप जिसकी केयर करेंगे, जिसके लिए परवाह करेंगे, आप उसके लिए उसको करेस भी करेंगे। फॉन्डल, एम्ब्रेस, हग, स्नगल, ये सभी करेस के सिनोनिम्स हैं। ऑपोजिट होंगे रिपल्स, पीछे हटना, स्पर्म डांट लगा देना, डिसप्लीज नाखुश करना, रिपेल। मदर करेस्ट द बेबीज चीक्स, तो माँ ने बच्चे को गाल पर प्यार किया। ओके, ये थे हमारे वर्ड्स 21 से लेकर 30 तक अल्फाबेट सी से शुरू होने वाले वोकैबुलरी के लिए। ठीक है, नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और पीडीएफ और वीडियोस के लिए आप पिनाकल लर्निंग ऐप जो है वो डाउनलोड करें। इसके अलावा अगर आप कोई और जानकारी चाहते हैं तो आप इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।